नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मथुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, मंत्री स्वतंत्र देव समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। ने किया यहां पे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, नंदगांव, इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करने का कार्य था। यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो। जब यहां की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी थी तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने यह तीर्थ स्थल घोषित करते हुए और फिर यहां के समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज आप देख रहे होंगे, आज तो देख रहे होंगे इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे। फाइल कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से सारा काम हो गया है। अभी आगे 5 साल के लिए हम करेंगे काम। अभी तो चुनाव लड़ना है, 26 को वोटिंग है, तो मैं सारी जनता से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग जाके वोट देने के लिए जाएं और हमें भारी बहुमत से जिताएं। प्राथमिकता बहुत सारी चीजों का है, उसमें स्पेशली यमुना है, फिर 84 कोस परिक्रमा है और रेल मार्ग का निर्माण और कल्चरल एक्टिविटीज एंड देन एजुकेशन, सबके लिए हमें काम करना है अभी। तो वही मथुरा में कांग्रेस और सपा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर ने नामांकन करने से पहले मां यमुना का पूजन किया है, जहां पर दुग्ध अभिषेक करके मुकेश धनगर ने यमुना मैया को साफ करने का संकल्प लिया और एक लोटा यमुना जल पीकर मैया यमुना का आशीर्वाद लिया। तो वहीं इसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर ने सभी ब्रजवासियों का आशीर्वाद भी मांगा। मेरठ सीट पर नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन सपा ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदल दिया। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान का टिकट काटकर योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। तो वहीं अतुल प्रधान के टिकट कटने के बाद उन्होंने पार्टी के इस निर्णय को समर्थन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय है वो स्वीकार है। पीलीभीत सीट पर पहले चरण में चुनाव होने हैं, तो वहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो कई पार्टियां जीत की उम्मीद लगा रही हैं, लेकिन जनता का क्या मूड है, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। इस समय हम बात करेंगे पीलीभीत 26 लोकसभा की। यहां पर इस समय आप सबको जानकारी है कि इस समय संपूर्ण भारत में की लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो यहाँ हम चर्चा करेंगे जनता से कि जनता का पीलीभीत में क्या मूड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सदैव जो है हॉट सीट बोले जाने वाली, यहाँ पर गांधी परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा है 40 सालों से, तो यहाँ पर चौराहा है, गौनिया चौराहा है, मैसूर चौराहा है पीलीभीत का। यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं, कोई पान की दुकान पर, इनसे हम जान लेते हैं कि इस बार जनता का क्या मूड है। अच्छा, पीलीभीत में इस बार जनता का क्या मूड है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ एक तरफा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से पीलीभीत में चुनाव जीतने वाली है। अभी तक जनता का कहना था कि बाहरी प्रत्याशी है, तो बाहरी प्रत्याशी तो बीजेपी का आप भी है। ये चुनाव बाहरी और भीतरी से मतलब नहीं है, ये देश का चुनाव है और इस समय देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय में इस समय माननीय मोदी जी से बड़ा कोई लीडर नहीं है। यहाँ की जनता सीधे वोट कर रही माननीय मोदी जी को, कैंडिडेट सेकेंडरी है यहाँ। नहीं, किसमें लड़ाई आप किसमें लड़ाई समझ रहे हैं, किससे लड़ाई समझ रहे हैं? लड़ाई यहाँ दूसरे और तीसरे नंबर की सपा
और कांग्रेस लड़ रही है, इंडी गठबंधन, कांग्रेस, बसपा, इनकी दूसरे तीसरे नंबर, पहले नंबर की लड़ाई के लिए कोई नहीं है। यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। भाई साहब पीलीभीत में रहते हैं? हाँ जी, पीलीभीत में रहते हैं। यहाँ पर इस बार किसकी चर्चा है? यहाँ पर इस पर जतिन प्रसाद की चर्चा चल रही है तो, लेकिन बाहरी फिलहाल सही टक्कर होगी। नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा था, पहले लोग कहते थे कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी है, बाहरी के नारा लगता था, इस बार भी तो बाहरी है, क्या कहना है? इस बार है तो बाहरी, मगर जो ऊपर से निर्णय आया है सही होगा। बीजेपी की किससे लड़ाई है? बीजेपी से किसी की नहीं लड़ाई है सर, सभी लोग यहाँ के पीलीभीत की जनता जो है वो मोदी जी को देख रही है और कमल का फूल का बटन दबाएंगे सभी लोग। यानी मतलब बीजेपी से टक्कर में कोई नहीं है? टक्कर में कोई नहीं है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ आपको। अच्छा जी, देखिए ये कह रहे कि टक्कर है तो उसके लिए मैं, हमारे मोदी जी आ रहे हैं 9 तारीख को हमारे शहर में, ये बड़ा ही सौभाग्य है, तो उनके लिए 2 लाइनें बोलेंगे, क्योंकि हमारा ये शहर टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ उनके लिए कि टाइगर के शहर पीलीभीत में, टाइगर के शहर पीलीभीत में शेरों के शेर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, एक तरफा जीत होगी, यह सोच के विरोधी घबरा रहे हैं। चलिए भाई साहब और भी खड़े हैं। भाई साहब पीलीभीत से? जी जी। भाई साहब यहाँ पर इस समय किसकी चर्चा चल रही है? इस समय कमल का फूल ही खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और टक्कर जो है वो मोदी, पूरा माहौल जो है वो मोदी में है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रत्याशी बाहरी के लिए, यहाँ पर पहले से लोग चीख रहे थे फिर भी बाहरी दिया गया है। भारी प्रत्याशी जरूर है लेकिन वो भारी प्रत्याशी है, भारी प्रत्याशी है। भाई साहब और भी खड़े हैं यहाँ पर। भाई साहब ये पीलीभीत में रहने वाले? जी भाई। भाई साहब इस बार किसका मूड है, मतलब जनता किसको चुनना चाहेगी, सपा, बसपा, भाजपा, किसको चुनना चाहेगी? जनता मोदी जी को चुनेगी। ऐसा क्यों है, मोदी को ही क्यों चुनेगी? क्योंकि विपक्ष बिल्कुल मजबूत है ही नहीं, ना कांग्रेस, ना सपा, ना कुछ। ऐसा क्या मोदी ने कराया है? मोदी जी ने बहुत काम कराया है, बहुत काम कराया है। राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा। चलिए आइए और भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ सर, मैं यही रहता हूँ। इस बार पीलीभीत जनता किसको चुनना चाह रही है? सर बीजेपी को तो बिल्कुल भी नहीं, फिर बीजेपी को नहीं चुनना है सर, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा। हमारा पेपर अभी यूपी पुलिस का अभी हुआ, फिर लीक हो गया, 5 साल में एक बार भर्ती हुई, और मैं 5 साल से पिछली तैयारी कर रहा था यूपी पुलिस की, 5 साल में एक बार भर्ती हुई, वो भी री एग्जाम रद्द हो गया। भैया आए इनको जो है यहाँ पर जो है बेरोजगार हैं, इनका साफ तौर से कहना है, इनको विरोध है बीजेपी से कि इनके जो पेपर लीक हुए, कैंसिल हुआ, इस चक्कर में इनका भरपूर विरोध है। भाई साहब यहाँ पर बीजेपी में किसका मूड है, किसको चुनना चाह रही है जनता? ये इस बार तो मोदी सरकार ही बनेंगे और अब के बार 400 पार होगा। चलिए और भी भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। भैया इस बार पीलीभीत की जनता किसको चुनना चाह रही है? बीजेपी को चुनना चाह रही है, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसी ग्राउंड के बाहर खड़े हैं, यहाँ 9 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 400 पार जा रही है, कोई हराने वाला नहीं, कोई गठबंधन, कुछ भी नहीं चलने का। तो पेपर लीक भी है, सब विरोधी पार्टी के वो है मुद्दे कि पेपर लीक हो गया, उन्हीं ने करा दिया, सब कुछ करा दिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या भाजपा से हैं? नहीं, भाजपा से नहीं हूँ मैं, लेकिन सपोर्टर भाजपा का हूँ, हमेशा भाजपा को वोट करता हुआ आया हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं गरीबों को देख के चलती है, लोगों को देख के चलती है, सब कुछ भाजपा ने ही दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बसपा के प्रत्याशी, उनका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी हैं, पीलीभीत बाहरी नहीं जिताएगी, उनका इस पे क्या कहना है? प्रत्याशी से हमें क्या लेना देना, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे प्रत्याशी जो भी हैं, व्यक्तिगत चुनाव जो भी चुनाव है, क्या कहते हैं, बाहर का प्रत्याशी हो या यहाँ का प्रत्याशी हो, भाजपा ने खड़ा किया है तो प्रत्याशी अच्छा ही होगा, अच्छा ही चुनाव होगा और काम करेगा, हमें उनसे उम्मीद है काम करके देंगे, हमें पीलीभीत का विकास चाहिए, बस और कुछ नहीं। बदलते ब्राह्मण लग रहे हैं मुझे, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इनका बहुत देर से विचार में प्रतिक्रिया रह जा रही है। भाई साहब यही पीलीभीत रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं यही पीलीभीत के रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा पीलीभीत से? देखिए वैसे वैसा है, काम बोलता है, मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों में वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। क्या ऐसे काम किए हैं? हालांकि मुझे किसी भी संगठन से कोई लालच नहीं है, ना कोई मुझे किसी से स्वार्थ है, मगर देश हित में जो काम मोदी कर रहे हैं वो आज तक आने वाली सरकार ना कोई कर पाएगी, ना किसी ने किया है। इससे पहले जो सरकारें थी वो अपना अपना भरण पोषण करती थी, अपने परिवार का करती थी, और कुछ सरकारें तो ऐसी थी जो मैं कहना नहीं चाहूँगा किसी की विशेष के व्यक्ति के बारे में, जो अपने
शौक के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करती है। बहुत से लोग कहते थे कि राम मंदिर पे पैसा खर्च करेंगे। आप इस समय किसको चुनना चाहेंगे, इस साल इस वर्ष किसको चुनना चाहेंगे? मैंने तो भैया आज तक और केवल कमल को वोट दिया है, और जब तक सांस चलेगी तब तक कमल को वोट देंगे। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। चलिए और चार सौ इक्कीस बार मोदी जी ने दी। चलिए और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं भाई साहब, रुके हुए भाई साहब, यही पीलीभीत में रहते हैं। किसको चुनना चाहेंगे इस बार? मोदी सरकार। नहीं ऐसा ही क्यों, मतलब सभी ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बीजेपी को ही, ऐसा क्यों? हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, बस हो गया है। भाई साहब आप किसको चुनना चाहेंगे? मोदी सरकार। चाचा रुको जरा, कहाँ रहते हो? कोनिया। किसको वोट देंगे आपकी? फूल को। फूल को। फूल। चाचा और भी खड़े चाचा, बहुत बीजेपी भाई और भी देखो नौजवानों को, इनसे भी जानकारी लेते हैं। कहाँ रहते भैया? मैं सियाबाड़ी पट्टी। किसको चुनना चाहेंगे पीलीभीत से? बीजेपी। यहाँ पर भैया लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि जो है बीजेपी के लोग जिनको रोक रहे हैं वो बीजेपी बीजेपी नहीं, हर जगह बीजेपी है। और भाई साहब और भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, नए लोग आए हैं। भैया यहाँ पीलीभीत ही रहते हैं जी? तो इस बार जो है पीलीभीत में घमासान तीन पार्टियों का, सपा भाजपा बसपा, तो किसको चुनना चाहेंगे? बीजेपी, मोदी को। बड़ा मोदी के सपोर्टर हैं भैया। मोदी जी ने काम भी किया है ना भैया, काम भी किया है पीलीभीत जी। जी पीलीभीत में भैया इस बार किसको चुनना चाहेंगे? आपकी बार फिर से मोदी सरकार, मोदी जी को चुनना चाहेंगे। और सभी लोग मोदी जी को ही क्यों चुनना चाह रहे हैं? एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है ना कि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी उम्मीदें उनके ऊपर है, क्योंकि देश जो है विकसित भारत में की ओर देख रहा है और विश्व की तीसरा शक्तिशाली देश बनने जा रहा है भारत। और कहीं ना कहीं जो है उसमें जो सरकार कर रही है, और इसीलिए सभी लोग जो है मोदी सरकार को लाना चाहते हैं। अब की बार 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, मुझे लगता है कि 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, और यहाँ पर जो जतिन प्रसाद लड़ रहे हैं वो 4-4.5 लाख वोटों से यहाँ पर जीत रहे हैं। चलिए मैं पैसे से ज्योतिषाचारी हूँ, और मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली दे रखी है, 2034 तक उनको कोई हराने वाला नहीं है, ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। और 421 वो 400 प्लस, मैं 421 की गारंटी करता हूँ अपने दम पर। मेरा नाम नोट कर लीजिए, संतोष मिश्रा नाम है मेरा, और 421 सीट आएंगी। संतोष मिश्रा जी इनका दावा है 421, मोदी जी 400 प्लस बोल रहे हैं, 421 इन्होंने दावा कर दिया है, इन्होंने उनकी कुंडली देख रखी है। और युवा साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये पीलीभीत रहते हैं। इस बार किसको चुनना चाहेंगे? बीजेपी, मोदी जी। सभी लोग बीजेपी को चुनना चाह रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि कुछ युवा आए एक दो जिन्होंने, जिनका कहना है कि उनका पेपर लीक हो गया शायद, इसीलिए उनसे नाराज हैं। बाकी यहाँ पर जिसको रोक रहे हैं, गांव से हो चाहे शहर से हो, सभी लोगों का कहना है कि बीजेपी बीजेपी। धर्मेंद्र सिंह चौहान, जनता टीवी, पीलीभीत। तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट एक हॉट सीट रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। 24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू जारी रहेगी, परिवार की विरासत। मां की सीट पर ताल ठोकेंगी बेटी प्रियंका गांधी। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के लिए 8 सीटों पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल के प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है और मिशन 24 के प्रचार में भी जुट गए हैं। साथ ही अन्य चरणों की सीटों पर कुछ पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कुछ बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट हॉट सीट है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मां की सीट पर प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। ये फैसला पार्टी की बैठक में तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गईं तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया।
बाद में वो पूरे यूपी की प्रभारी बनी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की महिलाओं की हिम्मत का प्रतीक हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। ये यूपी की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 के बाद अब तक सिर्फ 3 बार ही यहां पर कांग्रेस को हार मिली है। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार तो वहीं सोनिया गांधी 4 बार सांसद चुनी गई हैं। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 में सोनिया गांधी जीती, 2014 में भी सोनिया गांधी जीती थी, 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से सोनिया गांधी जीती। साल 1999 में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते। इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार झेलनी पड़ी। केवल 3 बार हारी कांग्रेस। कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी जब राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहे थे। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आक्रोश था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने 2 चुनावों में कांग्रेस को पटखनी दी। 3 हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजय है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार 3री बार सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण? एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 11%, ठाकुर वोटों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 6% और अन्य वर्गों के वोटर्स की संख्या करीब 23% है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में यह फैसला हुआ है, लेकिन ये तो अब 15 अप्रैल के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। फरुखाबाद में नगर पालिका की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर, मकान ध्वस्त होता देख महिला हुई बेहोश। कई सालों से मकान बनाकर रहता था महिला का परिवार। आगरा में किश्त लेने पहुंचे फाइनेंस कर्मियों की दबंगई, 2 युवकों पर चाकू से किया जानलेवा हमला, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में दबंगों ने महिला पर दिखाई दबंगई, घर में घुसकर महिलाओं से की जमकर मारपीट, खुले आंधी जान से मारने की धमकी। सहारनपुर में कई राज्यों के अधिकारियों के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का हुआ आयोजन, अवैध शराब शस्त्रों और मादक पदार्थों के परिवहन को रोकने के लिए बनाई गई कार्यशैली, सीमावर्ती क्षेत्रों पर कैमरा बैरिकेडिंग और चेकिंग करने के लिए मिले आदेश। देवरिया में सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का अवैध कब्जा, शिकायतकर्ता को मिली जान से मारने की धमकी, एसडीएम ने दिया बेदखली का आदेश। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ में आचार संहिता के अनुपालन के लिए 30 एसएफटी टीम कर रही कार्य, अनुपालन में गड़बड़ी मिलने पर थाने में दर्ज होगी रिपोर्ट, बिना अनुमति के पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई। महोबा में पति टीबी से पीड़ित पत्नी को अस्पताल में छोड़कर हुआ फरार, बच्चों को छीन कर किया बेघर, पीड़िता ने पुलिस पति के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा।
लखनऊ में कार के नीचे आई बच्ची, मौके पर हुई दर्दनाक मौत, कार चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, सीसीटीवी में कैद घटना। बाराबंकी में छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर किया मतदाताओं को जागरूक, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को किया गया प्रेरित। इटावा में दबंगों के हौसले बुलंद, राशन डीलर और परिवार के लोगों पर किया जानलेवा हमला, पीड़ितों ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की दी चेतावनी। आगरा में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, कार सवार युवकों ने की स्टंटबाजी, कार सनरूफ और चारों गेटों से बाहर निकलकर जमकर किया टांग। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला लापता युवक का शव, ट्रेन की चपेट में आने से जताई मौत की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी संपत्ति कुर्क, डॉक्टर अलका राय के अस्पताल सहित अन्य गुर्गों की 50 करोड़ से ज्यादा की जब्त संपत्ति, आईपीएस यमुना प्रसाद ने मुख्तार अंसारी पर की थी बड़ी कार्रवाई। अलीगढ़ में पुलिस चौकी में खड़े वाहनों में अचानक लगी आग, आग की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग की घटना में कई वाहन जलकर हुए खाक। अलीगढ़ में अज्ञात युवक का मिला शव, अज्ञात शव मिलने से पुलिस महकमे में मची भगदड़, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।